जिहड़ा बंदा बूटा लेके जा रहा है उन्हूं घर जाके लगावे ते सानू व्हाट्सएप जरूर करे तां जो जिहड़ी 100% मिशन सफल हो सके। अगर रुख ही नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा तो साड़ियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ शोहरतां, बड़े बड़े पैसे, इमारतें किसी काम दियां नहीं हैगियां। मैनू लगता है हरेक पासे दे एक बंदा जे एक बूटा भी ला ले तो पापूलेशन के हिसाब नाल जिहड़े पेड़ ने बहुत घटने और बहुत हो जाएंगे। सानू इस चीज़ का अज बहुत खुशी हुई है, अपने आप नू महसूस होया कि असीं ने चंगा उपराला किया। बाकी जे लोग जिन्ने बूटे 1200 के करीब लै जाण उन्हूं ला दें, जे साडा उस दे विचों 600 भी मतलब कि चल पिया साडा मनोरथ पूरा है, साडा मिशन पूरा हो जूगा। पंजाबी लोक चैनल दे तुहाडा स्वागत है, मैं अमनदीप सिंह माझा। पंजाब नूं हरिया भरिया करन लई किते ना किते नौजवान वड्डे उपराले कर रहे ने। अज जिला संगरूर भवानीगढ़ के नवें बस स्टैंड ते बूटियां दा लंगर लाया गया, जिनके पौद्यां दा लंगर लगाया गया। तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे कि श्री ब्रह्मण सभा रजिस्टर भवानीगढ़ वल्लों लगातार यह वड्डा उपराला किया गया, जिते हज़ारां दी गिणती विच बूटे वंडे जा रहे हैं, पौधे वंडे जा रहे हैं। तस्वीरां दिखावांगे कि काफ़ी तरह के पौधे ने, काफ़ी दे भी दिते गए ने, ते बाकी बस स्टैंड ते जिहड़े भी आउण जाण वाले राहगीर ने उन्हां नूं बूटे दिते जांदे ने। एक वक्खरा उपराला किया कि पंजाब नूं हरिया भरिया बनाउणा, क्योंकि एक वड्डी चिंता की गल आ कि पंजाब च बहुत घट गिणती दरख्त रह चुके ने, जबकि हरियावल लहर जां वधिया तरीके नाल जनजीवन नूं शुद्ध करन लई बूटे वड्डी गिणती च बहुत जरूरी ने। बाकी गल्लबात भी करांगे। श्री ब्रह्मण सभा के प्रधान मौजूद ने। प्रधान जी की नाम है जी अपना? मनदीप अत्री जी। मनदीप जी, उपराला वखरा किया जी, किन्ने एक बूटे वंडे गए ने ते किन्ने एक होर वंडे जाणगे? ये श्री ब्राह्मण सभा के लगभग असी फस्ट ड्राइव के 1200 के लगभग बूटा वंडन जा रहे हैं, तो प्लांटेशन भी कर जा रहे हैं। आले दुआले भवानीगढ़ के इलाके के भवानीगढ़ शहर के प्लांटेशन भी साढ़े वालों की जाऊगी। ठीक है, बिल्कुल। एक देख रहे थे, एक असी स्लोगन भी पढ़ रहे थे भी जिहड़ा बूटा तुसी दवोगे उन्हू कह रहे हो भी फोटो भेजो जी, असी चैक करांगे कितें जाके तुसी घर एवं सिट दो जां रख दो, उन्हूं सुकाए दो जी। ये बहुत वड्डी प्रॉब्लम रहिंदी है कि आम तौर पर लंगर लग जांदे ने ते जिहड़ी फ्री चीज़ मिलती है उहदी कदर नहीं पाउंदी पैंदी। उहदे लई असी एक स्पैशल क्या हो भी जिहड़ा बंदा बूटा लैके जा रहा है उन्हूं घर जाके लगावे ते सानू व्हाट्सएप जरूर करे तां जो जिहड़ी 100% मिशन सफल हो सके। बिल्कुल। मनदीप जी, किवें देखदे हो जिवें अजकल बीमारियां इन्नियां वधियां पईयां ने जी, कितें ना कितें दरख्तां की गिणती पंजाब च बहुत घट गई, घट खेतों च आपां देखदे हां कई बार खेत ऐ राजस्थान वांगू लगता पर एक भी बूटा नहीं दिसदा, की लगता तुहानूं वड्डी चिंता दा विशा है? बिल्कुल, यह बहुत वड्डी चिंता का विषय है। पंजाब दे विच अज ओवरऑल इंडिया के कंपैरिजन देखी तां सिर्फ 3% फॉरैसट एरिया रह गया, जिहड़ा कि बहुत वड्डा चिंता का विषय है, क्योंकि रुख है एक साढ़े एक मनुख दे जिंदगी जीउण दे दौरान भी ते मरण तो बाद भी कम आउंदा है। अगर रुख ही नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा तो साड़ियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ शोहरतां, बड़े बड़े पैसे, इमारतें किसी काम दियां नहीं हैगियां। जे रुख ही ना बचिया तो साडा जीवन भी खतरे विच है। बिल्कुल, किवें देखदे हो सरकारां कितें ना कितें ओबवियसली नहीं चल रहीआं, जिवें चंडीगढ़ तों बठिंडा नैशनल हाईवे अपने कोल दी लंघदा, किवें देखदे हो जदों इह बणिआ किन्ने दरख्त वड्डे वड्डे 50-50 साल 40-40 साल पुराने दरख्त कट्टदे पर लगे उन्ने जां नहीं लगे? नहीं, ये मैनू लगता भी जिहड़ियां सरकारां ने यह सिर्फ सोशल मीडिया से एक रौला पाउण वालियां ने, होर प्रैक्टिकली बहुत घट काम किया जा रहा है। जे सरकारां पूरी तरह इस दे विच अवेयर होकर काम करन, लोगों को पूरी तरह जागरूक हो करन, तां ओबवियसली एक बहुत बड़ा मिशन बन सकता है, पर तराशदी है जो दिखता है वह एक्चुअल दे विच है नहीं है जो ये दिखाया जाता है। बिल्कुल। बाकी जिन्हें नूं भी तुसीं पौधे वंडे ने, बूटे वंडे ने, की संदेश देना चाहोगे पूरे पंजाब वासियां नूं? जी, असीं यही संदेश देना चाहते हैं, प्लांटेशन जिन्ना चिर नहीं होगी, जिन्ना चिर रुख नहीं बचणगे तां जीवन साडा खतरे च होगा। सो वध तो वध हर व्यक्ति नूं जिंदगी दे विच वध तो वध पेड़ पौधे लगाने चाहिए ने ते उहनां दी सांभ संभाल करनी चाहीदी है ताकि आउण वालियां नसलां नूं भी असीं बचा सकीए। ठीक है। ब्रह्मण सभा वल्लों अज वड्डा उपराला कीता गया, इह उपराला लगातार जारी रहूगा जिवें कि हर साल तुसीं एवें वंडिया करोगे वध तो वध गिणती, जां जिवें कहिंदे हो वी शहर च वी असीं प्लांट लावांगे जां जिथे जगह बचती है उत्थे देखांगे वध तो वध पौधे लगाए जाण? यह सिर्फ एक साड़ी फस्ट ड्राइव है, यह कला अज का प्रोग्राम नहीं है, ये कंटिन्यू असी रखांगे, कोशिश करांगे वध तो वध प्लांटेशन पिंडां तक लेके जाइए, गवर्नमेंट स्कूलों तक लेके जाइए, जिहड़ियां पब्लिक प्लेसिस ने उन्हां तक लेके जाइए। आपां सोशल मीडिया की भी देखते हैं कई बार गलबात आउंदी आ कि आपां एनीवर्सरियां मनाउने आ जी, बर्थडे मनाउने आ, जां कोई भी आपां सैलीब्रेशन करदे आ उत्थे केक कटदे आ सब कुछ करदे आ, की कहना चाहोगे कि उस मौके भी एक पौधा लगाया जाए जिहड़ी याददाश्त रहे भी जदों मैं 5 साल का हुंदा सी आ पौधा लगा आया सी, जो 6 साल का हुंदा सी आ लगाया सी, जो 7 साल का, वो वधिया प्लांट नूं एक बहाने सिर प्लांट भी बनते जाणगे?
जदों जो प्लांट बनते जाएंगे जे अज लेके गए ने जो उस आपके बच्चों वांगू उन्हें उसकी ग्रो करता देखेंगे तो एक डिफरेंट तरह की फीलिंग सारी उम्र एक व्यक्ति फील करता है तो वह जो छां देगा वह फल देगा वह तुम रियलाइज नहीं कर सकते कि वह थोड़ा सैटिस्फैक्शन कि देगा। ठीक है बिल्कुल। बीर जी की नाम है जी? मेरा नाम परमजीत शर्मा जी। अच्छा परमजीत जी, किन्ने क बूटे वंडे गए तो किन्ने क लोग कि उत्साह से लोगों को ले आने का भी लेके जाइए जी घर लावे? देखो जिस तरह प्रधान जी ने दसाया 1200 के करीब असी फर्स्ट ड्राइव के बूटा किया तो जिस तरह दस रहे थे असी अगे भी करा लोगों काफ़ी उत्साह है। असी किसी तक पहुँच नहीं की भी साढ़ा बूटा लेके जाओ, लोग अपने आप आ के अपनी चॉइस नाल बूटा चकते रहे और असी लोगों को यह भी कहें रहे भी इसकी फोटो जिस तरह प्रधान जी ने दसाया और इसकी देखरेख भी जरूरी है ता जो कि छोटे बच्चे नाल आए असी बच्चों भी कहना भी अगे तो जिस तरह तुम कह रहे थे भी अपने बर्थडे से मैनू लगता है हरेक बर्थडे से एक बंदा जे एक बूटा भी ला ले तो पापूलेशन के हिसाब नाल जिहड़े पेड़ ने बहुत घटने और बहुत हो जाएंगे। जिस तरह तुसी ने कहा भी बठिंडा तो लैके हाईवे देखो प्री प्लान सी ये भी शॉर्ट चौड़ी होनी है बट ये दरख्तों की कोई प्लानिंग नहीं हुई। ठीक है बहुत जगह खाली पी है असी उन्होंने भी भरन की कोशिश करांगे। ठीक है एक छोटी जी मेरे वालों एक होर भी है जिस तरह अजकल अंबा का सीजन हैगा। ठीक है अंब अपने घर चल रहा है जा जामना का सीजन हैगा वो कृपा करके जी गिटकां ने ना तुसी वेस्ट ना करो उन्होंने कट्टियां कर लो कि थोड़ू खाली जगह मिलती है बस सिट ही दो अपने आप जो तुम 100 सिटियां दे 10 हो गए वह भी बहुत बड़ा उपराला है। कुदरत बहुत वड्डी मतलब कि वो होजूगी टैंपरेचर इन्ना हाई हुंदा ए सी चली जाते हैं पर अल्टरनेट कोई दूसरा नहीं है अल्टरनेट सिर्फ वह ही है वध तो वध प्लांटेशन। बिल्कुल बाकी पंजाब की धरती है जी जिवें तुसीं कहा भी आपां जामण खा ली वह जो बीज आ गिटका कि जिथे सिटदा वो अपने आप ही हरा हो जाए पंजाब की धरती से ताकत है इतने सोना वर्गिया चीज़ा उगलदियां ने यह तो कोई चीज़ ही नहीं जे आप करिए तो बहुत कुछ हो सकता है। साड़ी वध तो वध बेनती है यूथ नूं ठीक है कि प्लांटेशन वध तो वध करो। सानू इस चीज़ का अज बहुत खुशी हुई है अपने आप को महसूस होया कि असी ने चंगा उपराला किया। बाकी जे लोग जिन्हें बूटे 1200 के करीब लै जा ला दे जे साडा उस 600 भी मतलब कि चल पिया साडा मनोरथ पूरा है साडा मन मिशन पूरा हो जूगा एंड अगे तो भी असी ये रेगुलर रखांगे। असी होर भी संस्थावां नू अपील करते हैं जिन्हिया भी संस्थावां ने कि इस मुहिम दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा पाउण। सरकारां दी निगलीजेंसी भी हुंदी है किते किते पर कल्ला सरकारां ते सिर ते भी ना सिट्टिया जावे। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਨੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਇਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਿੰਮ ਪਿੱਪਲ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਮ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ 100 ਸੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰੇ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਪਰ ਜਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਸਨ ਜੁਬਰਾਜ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।